आज आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। विदाउट वेस्ट एनी टाइम मैं आज आपको डायरेक्ट विलाई दिखाऊंगा। 30 इसका पैरामीटर है, 45 इसकी लेंथ है। रेरा अप्रूव कॉलोनी है। आपको रेरा अप्रूव का मीनिंग अगर पता नहीं तो मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को हमको सब कुछ बना के देना पड़ता है, मंदिर बना के देना पड़ता है, जिम यहाँ पे भी आपको देनी पड़ेगी, पार्क यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। पार्क आपको दिखा देता हूँ, पार्क के सामने है। और अंदर की मैं बात करना चाहूँगा तो सीधे अंदर ही चलते हैं। तो अंदर की बात करना चाहूँगा, इतना बड़ा कार पार्किंग आपको मिल जाएगा, इतना बड़ा ओपन स्पेस मिल जाएगा, बहुत प्यारा छोटा सा आपको एक यहाँ पर गार्डन मिल जाएगा जिसमें आप झूला लगा सकते हैं। नल की सुविधा अंदर ही यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। और मैं अंदर सीधे अंदर की बात करूँ तो अंदर आपको दिखा दूँगा, तो आप इसको लेने से रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। पूरी फिनिशिंग हमने कर रखी है, प्लास्टिक पेंट प्लास्टिक वर्क हमने इसमें कर रखा है, वॉलपेपर का पूरा डेकोरेशन हमने इसमें कर रखा है। और पीछे ऊपर वॉलपेपर की बात करने फॉल सीलिंग की बात कर दूँ, फैन लगा के आपको दे रहे हैं, फॉल सीलिंग पूरी इसमें कवर्ड है। ये आपका ड्राइंग रूम का वर्क करेगा। ड्राइंग रूम के साथ साथ यहाँ पे जो आर्च दे रखी है, ये आर्च अंदर हमारी लॉबी की ओर को जाती है। इसकी पेंट की मैं बात कर दूं, पेंटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खिड़कियाँ लगा दी गई हैं। आप खिड़कियाँ देख सकते हैं, खिड़कियाँ कितनी प्यारी हैं, सामने का पेंट कितना प्यारा है। और ये लॉबी की मैं बात कर दूं, तो लॉबी के साथ लाइट खोल देता हूँ। लॉबी की मैं बात कर दूं, आपको 14 फीट की चौड़ाई की और 20 फीट लंबी आपकी लॉबी मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, टीवी की लोकेशन हमने यहाँ पे बना रखी है। पेंटिंग आप देख सकते हैं जो घर के इसमें बाहर को आ रही है, प्लास्टिक पेंट का वर्क कर रखा है, पूरा पत्थर हमने लगा रखा है, पूरा पत्थर का वर्क इसमें कर रखा है। लॉबी इतनी प्यारी है, ऊपर फैन हमने चला दिया, गर्मी हो रही थोड़ी। ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क आप देख सकते हैं, वो ड्राइंग रूम है, ये लॉबी है। और ये सामने आपको मिल जाएगा बहुत ही प्यारा किचन। किचन की मैं बात करना चाहूँ तो इसमें किचन में आप देख सकते हैं, किचन में ये आपके मॉडुलर किचन इसमें कन्वर्ट कर रखा है। कॉम्बिनेशन हमने दे रखा है, इसमें जो टाइल लगा रखी है वो भी हमने रेड कलर की लगा रखी है, नीचे उसको देखते हुए लगा रखी है। नीचे पूरा पत्थर का वर्क हमने दे रखा है और पत्थर अंदर भी दे रखा है ताकि सपोज आपका कोई सामान भीगा है तो नीचे आपकी जो वुडन वाला वर्क है वो ख़राब ना हो। वेंटिलेशन की खिड़की आप देख सकते हैं, इतना प्यारा किचन आपको मिल जाएगा। पूरा सिस्टम हमने यहाँ पे अवेलेबल करा दिया है। आपको बताना चाहूँगा ये बहुत बड़ी हॉल जैसी लॉबी है। लॉबी के सामने आपको एक वॉश बेसिन मिल जाएगा, शीशे का यहाँ पे पूरा वर्क दे दिया है। शीशे के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा तो ये आपको एक बहुत प्यारा बाथरूम मिल जाएगा। बाथरूम की मैं बात करना चाहूँ तो बाथरूम ये कॉमन बाथरूम है, यहाँ पे आपका शॉवर दे दिया है, वहाँ पे हैंगिंग कपड़े के लिए वहाँ पे लॉक दे दिए हैं, यहाँ पे आपको टैप दे दिए गए हैं। वो बाथरूम सामने टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे दे दिया गया है। बाथरूम के साथ मैं बात करना चाहूँगा ये आपकी लॉबी हो जाएगी। लॉबी के साथ साथ आपको एक कमरा ये मिल जाएगा, तीन कमरे इसमें हैं जिसमें से एक ड्राइंग रूम है, इतनी बड़ी लॉबी ये है। और ये हॉल जैसा बेडरूम आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और बेडरूम की मैं बात करना चाहूँ तो आप हमारा वर्क देख सकते हैं, पीछे हमने डिजाइन जो आर्ट क्राफ्टिंग कर रखी है वो ये सामने कर रखी है। इतना बड़ा बेडरूम आपको एक 15x16 का बेडरूम आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इतना इसमें आप मेरी आवाज़ गूंज रही है, इसमें वेंटिलेशन की पूरी सुविधा हमने इसमें दे दी है। सामने से ऊपर जाल दे रखा है तो यहाँ से वेंटिलेशन आपको होते रहेगा, कोई सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा ये हमारा अगला बेडरूम है। इस बेडरूम में हमने पूरा वर्क कर दिया है, इसमें ही आपको एक किचन टॉयलेट और अटैच टॉयलेट और बाथरूम आपको मिल जाएगा। ये सामने इसका आर्टिंग क्राफ्टिंग हमने कर रखी है, तो उसके साथ साथ इसका जो अटैच बाथरूम है इसको देखने से आप रह ही नहीं पाएंगे। इसमें जो हमने टाइलिंग का वर्क कर रखा है आप देख सकते हैं कितना प्यारा वर्क हमने इसमें दे रखा है। ये सामने झरना है, झरने में आपका ये भी अपना पर्सनल आर्टिफिशियल झरना हो जाएगा शॉवर, ये आपकी इंग्लिश टॉयलेट हो जाएगी और ये नहाने का आपका अटैच में हो जाएगा। वेंटिलेशन की सुविधा वहाँ पे आपकी दे दी है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा। इसके साथ साथ एक यहाँ पे ओपन स्पेस है, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं और ऊपर से हवा आपको लगातार आती रहेगी। जाल ऊपर लगा है, उसके ऊपर शीट लग जाएगी, शीट के साथ साथ यहाँ पे एक वॉश मशीन दे दिया है, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख के धो सकते हैं। दोनों कमरों के लिए, तीनों कमरों के लिए वेंटिलेशन की पूरी सुविधा है। पूरा ऊपर आप हमारा पीओपी का वर्क देख सकते हैं, कितना प्यारा हमने पीओपी का वर्क कर रखा है। यहाँ से एक लॉबी आप सामने देख सकते हैं, इतनी बढ़िया लॉबी है। तो आपको एक इतना शानदार लॉबी मिल जाती है, इतना प्यारा आपको एक
ड्राइंग रूम मिल जाता है, ड्राइंग रूम के साथ साथ एक मॉडुलर किचन और दो बेडरूम आपको अवेलेबल हो जाते हैं। 30-45 का ये मकान है और रेरा अप्रूव है। बाहर पूरा टाइल का वर्क है, आपको खाली आना है और इसमें रहना है। एक प्राइस तो इसका फिर भी हमारे लिए, हमारे अकॉर्डिंग इसका प्राइस आपके लिए बहुत ही एक रीजनेबल रहने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, फैन लगा के आपको दे रहे हैं, पूरी सुविधा दे रहे हैं, नल की फिटिंग A to Z है, आपको पार्क मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, यहाँ पे पूरी सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे आपको घूमने की। रेरा अप्रूव कॉलोनी है, रेरा अकॉर्डिंग जो हमसे गवर्नमेंट मांगती है वो हम बना के देते हैं। आप हमारे दीवार को ही देख सकते हैं, इसको 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला, 10 से 20 साल बाद इसको आप धोएंगे भी, आप पानी से भी धो के इसको कपड़े से रगड़ेंगे तब भी इसका कलर नहीं जाएगा। अगर हमने अमाउंट लगा रखा है तो एक सुविधा के अकॉर्डिंग लगा रखा है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो इस टाइप की रिक्वायरमेंट चाहते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं और इस टाइप का मकान आप लेना चाहते हैं जो फुल्ली फिनिश हो, रेडी टू मूव हो और एक रीजनेबल प्राइस में हो, प्राइस में अभी अपने लिंक में नीचे मेंशन कर दूंगा, उस प्राइस में है, नेगोशिएशन ना के बराबर रहेगी क्योंकि उससे नीचे हमारे लिए अवेलेबल नहीं हुए। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा, उससे ऊपर हमारी कॉस्ट चली जाती है बनाने में। और पूरा पत्थर का वर्क है, टाइल हमने इसमें नहीं लगवा रखी है। आप देख सकते हैं आर्च के नीचे हमने अलग ग्रेनाइट लगा रखा है, एक अलग लुक देने के लिए। यहाँ पे आपके मेहमान आते हैं तो मेहमान आपके बेडरूम में बैठेंगे, सॉरी ड्राइंग रूम में बैठेंगे, उसके बाद लॉबी में आ सकते हैं। लॉबी में आप अपना पर्सनल सोफ़ा लगा सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए TV यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए सामने टॉयलेट मिल जाता है और एक आपको कॉमन टॉयलेट मिल गया, मॉडुलर किचन मिल गया, दो बेडरूम और मिल गया आपके, और क्या चाहिए आपको। बाहर कार पार्किंग मिल गई, ग्रेनाइट का पत्थर आपको सीढ़ी में मिल जाता है, सीढ़ी में मैं दिखा देता हूँ आपको, डबल जाली वाले दरवाजे मिल जाते हैं। ये ग्रेनाइट का आपको पूरा पत्थर है, ग्रेनाइट का पत्थर आपको मार्केट में कितना मिलता है आपको पता ही है। डबल ग्रेड वाला आपको यहाँ पे ये SS की रेलिंग मिल जाएगी, ऊपर पूरा लोकेशन है। आज मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा ऊपर का दिखाना नहीं चाहूँगा आपको। यहाँ पे हमने नीचे फॉल सीलिंग के लिए बाहर भी हमने यहाँ पे वर्क कर रखा है, पूरी टाइलें इसमें लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं। बाहर से लोकेशन आपने देख ही लिया है, पार्क छोटा सा गार्डन आपको दे दिया है। अगर हम आपको ये विला पसंद आ रहा है तो आप लोनिंग करके इसको ले सकते हैं। आपके परिवार अगर ठीक है, दो भाई हैं आप और मम्मी पापा हैं, तो इसको आप ले सकते हैं, लोनिंग इसमें हो जाएगी। रेरा अप्रूव में लोनिंग नहीं होगी तो कहाँ होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हाईवे से नियर ये कॉलोनी है। मैं आपके बाहर रोड दिखा दूंगा तो रोड आप देख सकते हैं, रोड इसमें कंटिन्यू, यहाँ पे बड़े बड़े विला यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ये सामने पार्क है, वो सामने विला बनना है, ज़बरदस्त कोठी बननी है, यहाँ पे वर्क चल रहा है, वो सामने गाड़ियाँ हमारी हाईवे में चली रही है। अशोका के नियर ये हमारी कॉलोनी रेरा अवेलेबल है। आप आइए और इसमें थोड़ा मन बनाइए, फैमिली को लाइए और एक अच्छा डिसीजन लेके लोनिंग करके इसको अपना बनाइए। आपको कुछ नहीं करना है, आते आते ही आपको सेट हो जाना है, रेडी टू मूव है, घर तक गाड़ी आएगी स्कूल की। डेली नियर के यहाँ पे आपको मल्टी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, यहाँ पे और जिम मिल जाएगी, पार्क मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, और क्या चाहिए आपको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ऐसी मेरी वीडियो को आप, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।